केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की संकल्पना से खासा सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक किया गया है और इसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसी श्रृंखला में हमारी संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने खास बातचीत की है खासा सांस्कृतिक महोत्सव समिति के अध्यक्ष अनिल सोले एवं खासा सांस्कृतिक महोत्सव समिति के सदस्यों से। आइए डालते एक नजर। इस वर्ष ईश्वर देशमुख कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटांगण क्रीडा चौक हनुमान नगर में होने वाले खासदार सांस्कृतिक महोत्सव में सुबह और शाम दो सत्रों में कार्यक्रम होंगे। खासदार सांस्कृतिक महोत्सव के लिए 20,000 वर्ग फुट का भव्य मंच तैयार किया गया है और दर्शकों को असुविधा से बचाने के लिए इस साल LED स्क्रीन की संख्या भी बढ़ा दी गई है। इस बात की जानकारी खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समिति के अध्यक्ष अनिल सोले ने दी है। नागपुर शहर की कई वजह से पहचान होती है और उसी में आप एक जुड़ चुका है खासदार सांस्कृतिक महोत्सव। ये एक नागपुर शहर की पहचान बन चुका है और हर साल की तरह इस साल भी खासदार सांस्कृतिक महोत्सव का जो है आयोजन किया गया है और इसके इस आयोजन में किस तरह से कार्यक्रम होने वाले हैं, किस तरह से कार्यक्रमों का आयोजन होने वाला है, इसकी जानकारी हम लेते हैं खासदार सांस्कृतिक महोत्सव के अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष जो है अनिल सोले, इनसे जानते हैं। सर क्या बताओगे, हर साल की तरह इस साल भी ये समारोह होने जा रहा है नागपुर शहर में, बहुत बड़ा ये उत्सव होता है, कार्यक्रम होता है, इस साल किस तरह से इसे मनाया जाने वाला है? माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी, इनके संकल्पना में यह उपक्रम आया और उन्होंने हमें बताया कि रास्ते, पानी, बिजली, साफ सफाई, इसके साथ साथ विकास, ये कला क्षेत्र, साहित्य, क्रीड़ा आदि क्षेत्रों में भी शहर का होना चाहिए और उस दृष्टिकोण से खासदार सांस्कृतिक महोत्सव हर वर्ष, ये अब 8वां संस्करण है, हर वर्ष ये होता है। इस वर्ष भी विशेष रूप से 24 नवंबर से लेकर तो 5 दिसंबर तक ये खासदार सांस्कृतिक महोत्सव यहाँ ईश्वर देशमुख शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय के प्रांगण में होने जा रहा है। इसमें 3 सत्र में कार्यक्रम की रचना की गई है। सुबह जागर भक्तिचा, इस दृष्टिकोण से धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता नागरिक जो है उनके लिए सुबह का कार्यक्रम है। उसके बाद 6 से 7 हमारे नागपुर के जो लोकल आर्टिस्ट है वो अपनी कला का प्रदर्शन इस भव्य रंगमंच पे करेंगे और उसके पश्चात 7 से 10 के बीच में नेशनल इंटरनेशनल लेवल के फेम लोग जो है उनका और उनके कार्यक्रम का मंचन इस मंच पर होगा। तो इस दृष्टिकोण से एक भरपूर मनोरंजन, सामाजिक प्रबोधन, उद्बोधन, इस प्रकार से सभी आयामों को लेकर के ये उत्सव इस वर्ष यहाँ होने जा रहा है। खासदार सांस्कृतिक महोत्सव के दौरान जो है, जो लोकल कला, यहाँ के कलाकार होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उन्हें तो ये मंच मिलता है, लेकिन साथ ही साथ बॉलीवुड से भी यहाँ आते हैं, गायक आते हैं, तो इस बार कौन ऐसे सेलिब्रिटी आने वाले हैं और किस तरह से आयोजन होने वाला है? नहीं, इस वर्ष आपको मालूम है कि श्रेया घोषाल जी आ रही है, अदनान सानी जी आ रहे हैं और काफ़ी नेशनल इंटरनेशनल कलाकार यहाँ आकर के अपना कार्यक्रम प्रकट करने वाले हैं, साझा करने वाले हैं। 24 तारीख से 5 दिसंबर तक ये चलने वाला महोत्सव है, काफ़ी दिनों का ये महोत्सव है। इस दौरान जो है किस तरह की प्रस्तुति जो होने वाली है और साथ ही साथ जो स्टेज रहने वाला है, स्टेज किस तरह का रहने वाला है इस बार? करीब करीब 4,500 स्क्वायर फीट का ये इतना बड़ा रंगमंच है और पहले दिन यहाँ जो संस्कार भारती के माध्यम से जो कार्यक्रम होने जा रहा है 24 तारीख को, उसमें 900 कलाकार एक ही दिन में इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पूरे आयोजन में नागपुर के करीब करीब 2000 लोकल कलाकार जो है इस मंच पर आपको देखने को मिलेंगे। और प्रमुख उपस्थिति कौन, मतलब कौन रहने वाले हैं प्रमुख? आपको मालूम है कि इस वर्ष प्रमुख उपस्थिति में माननीय नितिन जी गडकरी रहेंगे, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस रहेंगे, हमारे सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार जी रहेंगे और विभिन्न प्रकार से इसमें बड़े बड़े लोग आकर के और अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। साथ ही साथ बड़ी संख्या में लोग ये कार्यक्रम देखने आएंगे, उनके लिए किस तरह से व्यवस्था होगी, किस तरह से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था और बाकी व्यवस्था की गई? इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन है
स्वामी ज्ञान वत्सल जी महाराज स्वामीनारायण मंदिर के माध्यम से ये उद्घाटन करने वाले हैं और इसमें करीब करीब 1000 के ऊपर कार्यकर्ता इस व्यवस्था में लगे हैं। पानी की व्यवस्था है, साफ़ सफाई की व्यवस्था है, सीटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था है, पासेज डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है, ऐसी विभिन्न प्रकार की व्यवस्था है इसमें है और करीब करीब 1000 के ऊपर कार्यकर्ता इस पूरे व्यवस्था को संभाल रहे हैं क्योंकि इसमें 20,000 लोगों की उपस्थिति यहाँ रहती है और आज तक के खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समिति का रिकॉर्ड है कि आज तक के कोई भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटी है क्योंकि यहाँ जो नागपुर शहर के दूर दराज से जो नागरिक आते हैं वो बड़े ही शिस्तबद्ध रूप से और इस कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत आभारी हूँ और इस वर्ष भी मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि यह कार्यक्रम भी इसी प्रकार से और अपने अच्छी परंपरा को कायम रखते हुए पूरा होगा। जैसा कि आपने बताया कि बड़े दूर से यहाँ नागरिक आते हैं और काफ़ी संख्या में लोग ये कार्यक्रम का मज़ा लेने आते हैं तो उनके लिए स्क्रीन भी लगाई जाती है, इस बार स्क्रीन की व्यवस्था किस तरह से होगी? यहाँ LED स्क्रीन भी लगाई जाती है क्योंकि सब लोग स्टेज बहुत दूर हो जाता है बहुत लोगों से और हमारा जो ये है कि पहले आओ पहले पाओ, यानी जो पहले एंट्री करेगा वो आगे आकर के बैठ जाएगा, जो लेट आएगा उसको फिर आखिर में रहना पड़ता है। तो यहाँ करीब करीब 8 स्क्रीन लगेंगे और 2 स्क्रीन बाहर भी रहेंगे। कभी कभी क्राउड इतना हो जाता है कि हमें पुलिस डिपार्टमेंट से संदेश आता है कि देखो अभी एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि कुछ हो गया तो चलने के लिए भी यहाँ जगह नहीं रहेंगी, तो फिर उन लोगों के लिए हम बाहर भी स्क्रीन लगाते हैं। इस वर्ष भी स्क्रीन लगेंगे और सबको इस कार्यक्रम का आनंद लेने की सुविधा होगी। तो हमने देखा कि खासदार सांस्कृतिक महोत्सव इसकी जो है इसकी राह जो है हर नागपुरवासी हर साल देखता है और ये सांस्कृतिक महोत्सव जो है 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित किया गया है और जिसकी जानकारी हमने ली है खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समिति के अध्यक्ष अनिल सोले इनसे। आपने देखा कि किस तरह से ये आयोजन होने वाला है तो आप भी इस खासदार सांस्कृतिक महोत्सव का लुफ्त 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक उठा सकते हैं। सुबह के सत्र में एक आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और शाम के सत्र में नागपुर के लोगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा मनोरंजन कार्यक्रम पेश किया जाएगा। इस बात की जानकारी खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समिति के सदस्य चेतन कारकर ने दी है। खासदार सांस्कृतिक महोत्सव का आगाज हो चुका है और इसी उपलक्ष पर हमारे साथ आयोजन समिति के सदस्य हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से इस बार आयोजन होने वाला है खासदार सांस्कृतिक महोत्सव का जिसकी राह हर नागपुरवासी देखता है। ये इस समय खासदार सांस्कृतिक महोत्सव का 8वां पर्व है। ये साल की खासियत ये ऐसी है कि इस साल संगीत भी है, नाटक भी है और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। रोज़ 24 नवंबर से यह खासदार सांस्कृतिक महोत्सव का आगाज़ हो रहा है और 5 दिसंबर को इसकी समाप्ति समारोह मीका सिंह के प्रोग्राम के साथ समाप्त होगा। इस दरमियान रोज़ प्रातः धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है जिसमें हनुमान चालीसा है, प्रतिदिन हरिपाठ है, गजानन महाराज की पोथी है, उसके बाद में सुंदरकांड है, राम रक्षा स्तोत्र है, पसायदान है, ऐसे विभिन्न प्रतिदिन एक सवेरे 7 बजे से लेकर 8 बजे तक यह धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। उसके पश्चात शाम के समय लोकल आर्टिस्ट को आगे बढ़ाने के हिसाब से माननीय नितिन जी ने जो स्थानिक कलाकार है नागपुर शहर के जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी कलाएं स्थापित कर रहे हैं उनको रोज़ 25 तारीख से लेके 5 तारीख तक प्रतिदिन अलग अलग कलाकारों का रोज़ यहाँ पे 1 घंटे का कार्यक्रम होने वाला है। उसके पश्चात मुख्य कार्यक्रम जो खासदार सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति तक कलाकार यहाँ पे सम्मिलित होंगे। इस समय इस साल पहले दिन ज्ञान वत्सल जी महाराज जो BAPS के प्रमुख है उनके उपस्थिति में संस्कार भारती द्वारा आयोजित एक भव्य 1000 कलाकारों का कार्यक्रम रखा है। 25 तारीख को
श्रेया घोषाल जी आने वाले हैं, 26 तारीख को भोजपुरी गायक अक्षरा सिंह जी आने वाली है, 27 तारीख को राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज के जीवन पर आधारित एक भव्य महानाट्य प्रस्तुत होने वाला है, 28 तारीख को अदनान सामी जी जो प्रख्यात सूफी गायक है उनका शो होने वाला है, 29 तारीख को गजानन महाराज के जीवन पर एक महानाट्य होने वाला है, 30 तारीख को बोनी दयाल जी का प्रोग्राम होने वाला है, 1 तारीख को प्रख्यात गीतकार पीयूष मिश्रा जी का कंसर्ट होने वाला है, 2 तारीख को संविधान शिल्पकार ये बाबा साहब के जीवन पर आधारित एक भव्य महानाट्य होने वाला है, 3 तारीख को जो आज डिजिटल मीडिया में जो ट्रेंडिंग वीडियोज़ आते हैं सचेत परंपरा जी का उनका शो लाइव इन कॉन्सर्ट होने वाला है, 4 तारीख को संपूर्ण गीत रामायण यह मुंबई की एक टीम आने वाली है, और 5 तारीख को मीका सिंह जी जो प्रख्यात पंजाबी गायक है उनके कार्यक्रम से इस समारोह की समाप्ति होने वाली है। इस साल जो है बहुत कार्यक्रम जो है नागपुर वासियों को खासदार सांस्कृतिक महोत्सव के अंतर्गत देखने मिलेंगे या उसका लुफ्त उठाने मिलने वाला है, तो इसके लिए किस तरह से लोगों जो नागरिक आएंगे उनकी व्यवस्था किस तरह से होगी? हमने कुछ पासेस हमने विभिन्न क्षेत्रों में पहले ही बांट चुके हैं, प्रतिदिन की पास जो है वो हमने मीडिया में ऑलरेडी दे दिया है कि प्रतिदिन की पास उसी दिन समय सवेरे 10:30 बजे से पास खत्म होने तक मैदान पे उपलब्ध होंगी। उसी प्रकार नितिन जी के जो ऑफिस है खामला की उस समय वहाँ पे भी ये उपलब्ध होने वाली है प्रतिदिन। उसके पश्चात हमने और दूसरी डिजिटल मीडिया की भी व्यवस्था की है, डिजिटल एक मिस कॉल नंबर दिया गया है उसके ऊपर मिस कॉल करने के पश्चात उनको एक लिंक मिलेंगी, उसके ऊपर एक अपना एक व्यक्ति के लिए एक पास ऐसा डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये पास असहस्तांतरणीय है, ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यदि अगर कोई ये पास अपना डाउनलोड करके ट्रांसफ़र करेगा तो जो पहले आएगा उसका ही स्कैन होगा, दूसरे व्यक्ति का यह पास स्कैन नहीं होगा। इस तरह से ये सारी व्यवस्था की है, भरपूर 35,000 लोगों की कैपेसिटी है, सबको इसका आनंद लेना चाहिए। मैं सबको आपके माध्यम से नागपुर शहर के सारे नागरिकों को और सारे वासियों को आग्रह करता हूँ कि इस कार्यक्रम का आयोजन किया है उसकी आप सभी सादर आमंत्रित है। ये जो पासेस है ये निःशुल्क है या इसके कुछ चार्ज? पासेस संपूर्णतः निःशुल्क है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, यह चैरिटी कार्यक्रम है इसलिए सभी निःशुल्क है। सुबह के सत्र में एक आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और शाम के सत्र में नागपुर के लोगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा मनोरंजन कार्यक्रम पेश किया जाएगा, ऐसी जानकारी खासा सांस्कृतिक महोत्सव समिति के भोलानाथ सहारी ने दी है। खासदार सांस्कृतिक महोत्सव आयोजन समिति के भोलानाथ सहारे हमारे साथ है, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से इस बार जो है खासदार सांस्कृतिक महोत्सव की तैयारियां शुरू की गई और क्या विशेष रहेगा नागपुर वासियों के लिए। मेरा नाम भोलानाथ सहारे, यहाँ के अंतर्गत सुरक्षा की व्यवस्था और लोगों को बैठने की व्यवस्था उसकी जवाबदारी मेरे तरफ में है, और खासदार समिति का सदस्य करके मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, और मेरे तरफ में जो जवाबदारी है उसके अनुरूप 25 तारीख से जागर भक्तिचा इस बैनर के नीचे ये कार्यक्रम होने जा रहा है। पहले दिन 25 तारीख को हनुमान चालीसा ये कार्यक्रम होगा, इसके प्रमुख करके हमने खेमराज धमाए इनको बनाया है, लगभग 1,000 के ऊपर में लोग रहे इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे। सुबह 7 बजे कार्यक्रम होगा, शुरू होगा और लगभग 8 बजे तक वो चलेगा, 8:30 तक चलेगा, इस प्रकार रोज कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं एक बार सभी कार्यक्रमों की जानकारी आपके सामने मैं देता हूँ कि 26 तारीख को परित्रायण पाठ ये भी कार्यक्रम है, बाद में 27 तारीख को जो सोमवार है रुद्र पठन है, बाद में श्री सूक्त पठन है, बाद में हरिपाठ पठन है, बाद में गजानन विजय ग्रंथ पारायण है, विष्णु सहस्त्र नाम पठन है, सुंदरकांड है, और श्री राम रक्षा मारुति स्तोत्र पठन और मनाचे श्लोक, इस प्रकार के कार्यक्रम हमने यहाँ रखे। और लोगों ने ये कार्यक्रम देख पिछले समय गडकरी साहब ने कहा था कि संगीत के कार्यक्रम तो सभी देखते हैं लेकिन धार्मिक कार्यक्रम भी इस जगह पर होना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये व्यवस्था की है।
और रोज़ सुबह 7 बजे शुरू हो गया। हमारे सभी कार्यकर्ता सुबह 6 बजे आएंगे, 1 घंटे में व्यवस्था करके 7 बजे कार्यक्रम शुरू होगा और जिनको जितना समय लगता है उस प्रकार से और 9 बजे तक ये सब कार्यक्रम चलते रहेंगे। इस प्रकार से इसमें लगभग पूरे नागपुर शहर से 50,000 लोगों ने आना चाहिए अलग अलग कार्यक्रम में। इस प्रकार की व्यवस्था हमने की है और सभी लोग मिलकर ताकत लगा रहे, मेहनत कर रहे हैं और हमारे भी कार्यकर्ता नीचे जाकर जितना लोगों से संपर्क उतना कर रहे हैं। और क्योंकि नागपुर शहर में बहुत जगह धार्मिक स्थल है, मंदिर है, तो मंदिरों में जाकर लोगों से विनंती कर, क्योंकि हरिपाठ का भी अभी समय है, बहुत सभी प्रकार के लोग हैं तो सभी लोग आने के इसमें चांसेस है। और बहुत सारे लोग हमको मदद भी कर रहे हैं कि हमारी क्या मदद चाहिए, इस प्रकार के भी लोग कह रहे हैं और हम सभी की मदद ले रहे हैं क्योंकि ये कार्यक्रम अगर करना होगा सबकी मदद इसमें आवश्यक है। इस जागर भक्ति सा इस जो कार्यक्रम होने वाला है तो इस दौरान जो है बाहर गांव से कुछ लोग इसमें आए हैं पार्टिसिपेट करने? नागपुर ज़िला से लोग आ सकते हैं क्योंकि विदर्भ का वगैरह ये नहीं है, लेकिन नागपुर ज़िले से लोग आएंगे, नागपुर शहर के साथ में नागपुर ज़िले के लोग बड़े प्रमाण में रहने की संभावना है। खासदार सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत होने वाली है और उसके लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है, क्या बताना चाहोगे इसमें कुछ और ऐसे विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं नागरिकों के लिए, उसके बारे में आप क्या बताओ? जैसा कि हमारे लोकप्रिय खासदार नितिन जी गडकरी ये सभी के बारे में सोचते हैं, ये एकमेव देश भरे में से एकमेव खासदार है कि जो विकास करने के लिए तो एकदम प्रसिद्ध है लेकिन वो बूढ़े बुजुर्ग लोगों से लेकर तो बच्चों के लिए भी क्या मैं दे सकता हूँ, उनका कैसा विकास हो, उनका व्यक्तित्व कैसा खुले, इसके लिए प्रयास करते, तो उसमें वो हर धर्म के हर लोगों के लिए भी सोचते हैं। तो सांस्कृतिक महोत्सव में इस बार वो दो अच्छे धार्मिक कार्यक्रम भी लेकर आए जो बौद्ध समाज के लिए और शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला कार्यक्रम तो कभी नागपुर शहर में मुझे नहीं लगता है कि महापरित्राण पाठ हुआ होगा, तो कम से कम 100 बौद्ध भिक्षु यहाँ पर महापरित्राण पाठ यानी परित्त देश करने के लिए सुबह 6:30 बजे आएंगे। 26 नवंबर को वो रविवार के दिन जो कि कार्तिक पूर्णिमा है, त्रिपुरी पूर्णिमा है, तो उस पावन पर्व पर और जैसा कि बाबा साहब ने संविधान भी इस देश को बहाल किया था, तो वो 26 नवंबर का दिन गडकरी साहब ने और खासदार महोत्सव समिति ने चुना है कि उस दिन एक बहुत ही मंगल कार्य यहाँ पर हो और हमारे बौद्ध समाज के 100 से अधिक बौद्ध भिक्षु यहाँ पर आकर महापरित्राण पाठ करने वाले, जिसकी मंगल कामना के लिए यहाँ पर कम से कम नागपुर के 5,000 बौद्ध नागरिक और उपासक बंधु भगिनी यहाँ पर आएंगे और इसका लाभ लेंगे। मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि इस 26 नवंबर को सुबह 6:30 बजे आप भी इस मंगल कामना के लिए, इस मंगल पूजा के लिए यहाँ पर आप उपस्थित रहिए और इस मंगल कामना का परित्राण पाठ का लाभ उठाइए। ये बहुत ही पवित्र ऐसा महा परित्राण पाठ यहाँ पर हो रहा है 26 नवंबर सुबह 6:30 बजे। और फिर दूसरा कार्यक्रम जो कि 2 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन पर एक महानाट्य यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसा कि हर साल हम लोग भगवान गौतम बुद्ध, बाबा साहब, इनके जीवन चरित्र पर लोगों को बोध देने के लिए अच्छा कार्यक्रम करते हैं, तो इस बार हमने संविधान शिल्पकार नाम से यहाँ पर एक महानाट्य का आयोजन किया है जिसमें बाबा साहब के जन्म से लेके तो संविधान बहाल करना और उनके मृत्यु तक का पूरा जीवन चक्र हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर उसको प्रस्तुतीकरण किया है। हमारे समाज के रंगारंग गाने जिसमें आप झूम भी उठोगे और ऐसे कुछ गाने जो 12 महीने हम लोग सुनते हैं जिसमें हमारी आंखें भी भर आती है, ऐसे पूरे कानों का और उनके जीवन पर बहुत, जैसा कि आप अभी डिज्नी हॉटस्टार पर देख रहे होंगे कि एक महानायक करके बाबा साहब के जीवन पर एक सीरियल चल रही है, तो उस सीरियल के जो कर्वे जी है जो बाबा साहब का मुख्य भूमिका निभा रहे वो इस महानाट्य में मुख्य भूमिका में है। और ऐसे बहुत बड़े बड़े कलाकार यहाँ पर बॉलीवुड में काम करने वाले और टीवी कलाकार यहाँ पर आने वाले हैं, उसका 200 लोगों का ये महानाट्य रंगारंग कार्यक्रम बाबा साहब के जीवन पट पर यहाँ पर प्रस्तुत होने वाला है। तो मैं नागरिकों से विनती करूँगा
कि 2 दिसंबर शाम को 7 बजे ये भी कार्यक्रम जो खासदार महोत्सव का कार्यक्रम है उसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर, बाबा साहब ने हमें कैसा संविधान बहाल किया, उस संविधान में क्या लिखा गया, उससे हमको वोट लेने को मिलेगा, तो आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। बड़ी संख्या में लोग पूछ रहे हैं कि उन्हें शाम के कार्यक्रमों के लिए पास कब मिलेंगे और नागपुर के लोगों की उत्सुकता चरम पर पहुंच गई है। 12 दिवसीय इस उत्सव का आनंद लेने के लिए निशुल्क पास की व्यवस्था की गई है। नागरिकों के लिए 9158880522 फोन नंबर जारी किया गया है। इस नंबर पर मिस कॉल कर ऑनलाइन पास प्राप्त किए जा सकते हैं। ज्ञात हो कि ये पास हस्तांतरणीय रहेंगे। ऐसी जानकारी खालसा सांस्कृतिक महोत्सव समिति के विलास त्रिवेदी ने दी है। नमस्कार, मी किशोर पाटील, खासदार समिति सदस्य। ह्या खासदार समिति चे जे पूर्ण कार्यक्रम आहेत, हे कार्यक्रम 25 पासून तर 4 डिसेंबर पावत आयोजित करण्यात आलेले आहे। ह्याच्यामध्ये सकाळचे पण कार्यक्रम आहेत, संध्याकाळचे पण कार्यक्रम आहेत, प्रत्येक दिवशी एक चांगले प्रकारचे कार्यक्रम असतात। याचा सगळ्या लोकांपर्यंत प्रसार होण्याकरता पूर्ण नागपूर शहरभर होल्डिंग लावण्याची जबाबदारी माझ्याकडे आहे। पूर्ण नागपूर शहरभर कमीत कमी नाही म्हटलं तरी एक 90 जवळपास मोठे होल्डिंग्स लागलेले आहेत। तसंच शहरामध्ये 150 बस शेल्टर्स, जे बस शेल्टर्स असतात ते सुद्धा लागलेले आहेत। सगळीकडे प्रचार प्रसार मोठ्या प्रमाणात झालेला आहे आणि सगळ्या लोकांना इथे आमंत्रित केलं जाते की आपण यावं, आपल्या लाडक्या खासदारांनी आयोजित केलेला हा कार्यक्रम बघावा, त्याचा आनंद घ्यावा, हा सगळ्यांना इथे आमंत्रित केलं जाते। खासदार सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत जो है होने वाली है और उसके लिए जो हम देख रहे हैं कि पंडाल सज चुका है और तैयारी अभी शुरू है, तो इस दौरान जो है ये कार्यक्रम की राह हर नागपुरवासी देखता है, तो इसके आयोजन पर किस तरह से आयोजन है और जो नागरिक आने वाले हैं उन्हें इस यहाँ एंट्री कैसे मिलेगी, किस तरह से ये पूरा आयोजन किया गया है? खासदार महोत्सव का जो आयोजन है ये 24 तारीख से लेके 5 दिसंबर तक है। अनेक प्रकार के कार्यक्रम इसका आयोजन में किए गए। देश की बड़ी बड़ी नामी हस्तियां इस कार्यक्रम में आने वाली है और लोगों को इस कार्यक्रम का बहुत आकर्षण है। गत 7-8 वर्षों से यह कार्यक्रम सतत चल रहा है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत नागपुर शहर के सभी हरेक नागपुर शहर के सभी क्षेत्र से बड़े पैमाने पर लोग यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद उनको ऐसा लगता है कि ये कार्यक्रम हमने देखना चाहिए और हमको एंट्री कैसे मिलेगी, उसके लिए हमने यहाँ पासेस का वितरण रखते हैं। सभी लोगों को यहाँ स्थान मिले इसकी हम व्यवस्था करते हैं। गडकरी साहब से लेके तो खासदार आमदार जितने भी नामवंत और प्रतिष्ठित नागरिक है वो सभी यहाँ आते हैं। उनकी व्यवस्था एक अलग होती है और बाकी जितने भी यहाँ जो परिसर में आते हैं कार्यक्रम देखने के लिए उनके लिए भी हम पासेस की व्यवस्था करते हैं। करीब करीब 30-35 हज़ार के करीब लोग यहाँ रोज़ कार्यक्रम देखने आते हैं, उनके लिए हम पासेस की व्यवस्था करते हैं। सुबह 9 बजे से लेके तो शाम को 5 बजे तक ग्राउंड पर ही पास का वितरण होता है। गडकरी साहब के कार्यालय से भी पास का वितरण होता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अगर गए कार्यकर्ता तो उनको वहाँ पर भी पासेस मिलती है। इसके व्यतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंडल हैं, नागपुर के जितने प्रतिष्ठित लोग हैं, आमदार खासदार, इनके पास भी हम पास बांटने के लिए देते हैं। नागपुर शहर के नगर सेवक जो है उन नगर सेवकों के पास भी हम पास वितरण करने के लिए देते हैं। इसके व्यतिरिक्त यहाँ जितने भी लोग आते हैं, यानी ये यहाँ पैर रखने को जगह नहीं रहती है और जितने भी लोग चाहते हैं कि हमें कार्यक्रम देखें उन सभी लोगों के लिए हम ये कार्यक्रम वो देख सके इसकी व्यवस्था करते हैं। मीडिया को भी पासेस देते हैं, इलेक्ट्रिक मीडिया को भी देते हैं, प्रिंट मीडिया को भी देते हैं और उसको कवरेज करने के लिए पूरा मीडिया भी यहाँ आता है। उनकी बैठने की हम व्यवस्था अलग से करते हैं और वो सब लोग अच्छे तरह से ये खासदार महोत्सव को अपने माध्यम से प्रसारित करते हैं। खासदार सांस्कृतिक महोत्सव हर साल की तरह इस साल भी रंगारंग कार्यक्रम की मेजबानी 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक लेकर आ रहा है।
सांसद एवं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, इनके संकल्पना से साकारा जाने वाला खासदार सांस्कृतिक महोत्सव 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलने वाला है और इसका उसके आयोजन की जो है यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ सब पूरा पंडाल सज चुका है, साथ ही साथ यहाँ कार्यक्रम के लिए पूरी तैयारियाँ की जा रही है और हमने देखा कि किस तरह से आयोजन इस कार्यक्रमों का होने वाला है, इसकी जानकारी भी हमें समिति के सदस्य और अध्यक्ष द्वारा दी गई है। तो आप भी इस कार्यक्रम का लुफ्त उठाइए, जिस तरह से रंगारंग कार्यक्रम से भरा हुआ ये खासदार सांस्कृतिक महोत्सव रहने वाला है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।